जो आज की आखिरी कंटेस्टेंट है जी, इनका ताल्लुक है कराची से और इनका नाम है माहीम जैदी। तो पहले माहीम पर ही पैकेज देख लेते हैं। माहीम जैदी बनो समा की आवाज की हमारी आज की दूसरी कंटेस्टेंट जो कि ताल्लुक रखती हैं कराची से। माहीम ने ज्यूरी और जजेस के साथ साथ हमारी आवाम को भी अपनी आवाज से बहुत मुतासर किया और वोट्स लेने में कामयाब रही। अब देखना ये है कि क्या माहीम इसी तरह से हमारे जजेस, ज्यूरी और आवाम को मुतासर कर पाती हैं या नहीं। आइए चल के सुनते हैं माहीम जैदी की नात। माहीम जैदी की आईडी है 04। आपने जब सच्चाई में आई तो आपने अपना सुर चेंज कर दिया। आप जब सच्चाई में आई हो ना तो आपने अपना सुर चेंज कर दिया। एक लंबा सांस लें और दोबारा से शुरू करें। बैठ के पढ़ना चाहते हो? बैठना चाहते हो? वहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, यहाँ बैठ जाओ बेटा, स्केल चेंज कर, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ इधर, बैठ जाओ बेटा, यहाँ बैठ जाओ, कलाम कलाम चेंज कर, बॉल से पड़ी थी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, टेंशन नहीं, लोगों ने कंफ्यूज कर दिया। कलाम चेंज करने आप? हाँ कलाम। माहीम बैठना चाहती हो तो यहाँ बैठना चाहती हो, आप कंफर्टेबल बैठ के पढ़ लो, बिल्कुल ठीक है। आप लोग क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं उसको भाई? उसका सुर चेंज, स्केल चेंज कर दिया था संचाई में उसने, इसलिए रुकवाया मैंने। मेरे नात सुनाए तो अजब क्या, माशाल्लाह 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 जी जी। रुबाब जी, पहले मैं चाहूंगी कि बिलाल भाई जो है पहले अपनी जजमेंट करे, उसके बाद में। सही जी, बिलाल भाई, मुझे लगता है कि इसकी आवाज की रेंज इससे ज्यादा है जो कि इसने आज पढ़ा है, क्योंकि यहाँ बैठी थी और चार कंटेस्टेंट्स ने इससे पहले हमारे इसने कमेंट्स सुने हैं यहाँ बैठ के, तो इसकी एक नर्वसनेस है जिसका कि मैं इसको मार्जिन। और बिलाल भाई वही बच्ची है जिसके अब्बा को भी हमने बुलाया था और बहुत अच्छा पढ़ा, इसके पास रेंज बहुत है, आज ये नर्वस है हल्की सी इस वजह से। लेकिन मैं दूसरा बेटा आपको ये भी कहूंगा कि आप जो तर्ज ढूंढ रहे हो पढ़ने की, वो अपने लिए खुद भी मुश्किल पैदा कर रहे हो आप,
तो आप अपने लिए क्यों मुश्किल पैदा करते हो? आप ऐसी तर्ज लो जो कि आसान हो, जिसमें आपकी रेंज पता चले। पढ़ सकते हो कोई और? एक एक मिसरा सुनाओ, एक और सुनाओ। टाइम को 3 मिनट, एक मिसरा कोई भी सुना दो। हाँ, वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। माहिन, आज तुम्हारा दिन नहीं है। दिस इज नॉट योर डे बेटा। ये बड़ा अच्छा ऑप्शन था, ये और बड़ा अच्छा कलाम था कि आप इसको करते। पता नहीं, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, लेकिन आज तुम्हारा दिन नहीं है। अभी जो एक 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 दो दो सेकंड, एक और जरा इस पे ट्राई कर दो। वफा जिसका, यहां से वफा जिसका पढ़े कलमा उसे अब्बास कहते हैं। क्या मिठास है यार, बोलिए क्या बात है, क्या बात है। कोई और जी। कहां से लाएगी दुनिया हुसैन के जैसा, कहां से लाएगी दुनिया हुसैन के जो बिलाल भाई ने कहा, मैं उनकी बात से टोटल इत्तेफाक करती हूँ। आज शायद हमारी बच्ची का दिन नहीं है। अवैस, आज शायद वो कंफ्यूज हैं, मुझे नहीं पता, परेशान है। बहुत ज्यादा नर्वस थी, मुकाबले की परफॉर्मेंस नहीं लग रही थी, बहुत ज्यादा डरी हुई थी आज। सलमान, मुकाबले में वो नाते पढ़ी जाती है जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, जिन पे आपको अबूर हासिल हो, आपको परफेक्शन हो ना, वो वाली। अभी तो टास वाली नाते ही नहीं आई, जब टास वाली आएंगी तो उस पे चेंजेस होती हैं। नया है बिल्कुल, आपने जो पहला कलाम पढ़ा था, तो बहुत मुश्किल। आप किसी भी एक माहौल में आप ना अंतरी में ठहर सकी, ना सच्चाई में, ना अस्थाई में, कहीं भी नहीं ठहर सकी। ठीक है, चले, हमारे पास वक्त बहुत कम है। दुआएं मेरी सारी आपके साथ है, हमारी इनकी दुआएं भी, अल्लाह करे नंबर इनके आपके साथ हो जाए। एक छोटी सी हम ब्रेक लेने जा रहे हैं, ब्रेक के बाद फिर अपनी सारी ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज करेंगे। टॉपिक बहुत अच्छा, ब्रेक के बाद मिलते हैं।